सबसे पहले तो आप सभी प्यारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि यार आप लोगों की जो आप दुआ कर रहे हो भाई के लिए, उसके लिए हम तीनों भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं कि यार आगे हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। लास्ट क्लिप और वीडियो आपने देखी होगी कि सलमान भाई के साथ में क्या हो रहा है। रात को लगभग 4 घंटे बाद मेन जो बाबा साहब मौलाना साहब थे वो दरगाह पे आए थे, उसके बाद ही वो चीज़ शांत हो पाई थी। लगभग 3-4 घंटे तक उसी स्थिति में थे जो चीज़ें आपने देखी। और एक चीज़ मैं सबसे पहले आपसे क्लियर कर दूं यार, मेरे कुछ भाई हो सके कमेंट करें, देखो वीडियो कंटिन्यू शूट हो रही है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ प्राइवेसी भी है, इस वजह से हम नहीं चाहते कि यार प्राइवेसी वाली वीडियो क्लिप भी हम आपसे शेयर करें, क्योंकि भाई को खुद को होश नहीं है कि वो किस कंडीशन में है। तो यार हम नहीं चाहते कि सारी क्लिप हम आपसे शेयर करें, ये एक वजह है। और दूसरी, बाबा साहब आने के बाद उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि आपके भाई को कुछ नहीं होने देंगे, बस आप हिम्मत मत हारो। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, आज आपका भाई होता सगा या आपका कोई फ्रेंड होता उसके साथ ऐसी होती ना, तो आपके भी मुंह उतरे हुए होते और आपकी भी आंखों में आंसू होते। पूरी रात हमने वेट करा, उन्होंने उनकी क्रियाएँ करी, उसके बाद थोड़ा सा हमें लगा कि यार फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जब सुबह मॉर्निंग हुई ना तो कुछ ऐसा हुआ, भाई ज़ोर ज़ोरदार से चिल्लाने लग गए। आस पड़ोस के जो मोहल्ले के लोग थे वो आके तमाशे की तरह वहाँ खड़े होकर देखने लग गए, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अपने जेब से फ़ोन निकाल के सलमान भाई की वीडियो बनाने लग गए। ये देखने के बाद शेरखान भाई ने बोला कि भाई अगर ऐसा होगा तो यार इन वीडियो को रोकेंगे कैसे, ये सब जगह वायरल हो जाएगी। तो हमने बाबा साहब से दरख्वास्त करी कि कैसे भी करके इनको दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर के पीछे मेरे खेत मेरा ही फार्म है, तो आप ऐसे करो उनको वहाँ पर रख लो। तब से भाई को वहाँ पर रखा हुआ है, और भाई की कंडीशन क्या है वो अच्छू भैया आप आगे आप बताओ। देखो दोस्तों बोला भी नहीं जा रहा, कसम से इतनी बुरी कंडीशन है यार, भाई की कंडीशन ऐसी है कि हम खुद ना भाई की कंडीशन देख नहीं पा रहे, हमें हिम्मत नहीं हो रही कि भाई के पास जा सके, कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और जब से बाबा साहब ने उनका इलाज किया है फर्क तो कुछ इतना खास है नहीं, राधे भी तो नहीं है, लेकिन हाँ मान सकते हैं कि हाँ जैसे है वैसे यहाँ पे लाना ठीक है। यहाँ पे लाने के बाद थोड़ा सा उनमें फ़र्क है, तो फिर भी वो ना उनकी जो भी हरकतें हैं ना वो और ज़्यादा, उनकी जो तबीयत है और ज़्यादा ख़राब हो रही है, चीज़ हावी तो हो रही है, हावी बहुत ज़्यादा उन पर हावी हो रही है। और एक चीज़ और देखी दोस्तों, जहाँ पे हम जिस गांव पे रुके हुए हैं यहाँ पे हमें कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो दरगाह के ये मजार के जो मौलाना साहब है ना, उन्होंने सारी व्यवस्था हमारी कर रखी है, हमारे खाने पीने रहने की। कंडीशन ऐसी है दोस्तों, तीनों भाइयों की आंखें और चेहरा देख के लग रहा होगा कि बराबर से नींद भी नहीं ली। उसकी वजह ये है कि यार दो बंदे जगते हैं दो सोते हैं, दिन में दो सोते हैं तो फिर दो रात को जगते हैं, और भाई को पेड़ के बांधा हुआ है और बार बार ऐसी हरकतें करते हैं वो कि यार वहाँ पे रोना आ जाता है। भाई को अकेले भी छोड़ नहीं सकते ऐसे इस हालत में, तो या तो राधे भैया उनके पास में रुकते हैं या शेरखान भैया को उनके पास में रुकना पड़ता है, मतलब अकेले छोड़ने की कंडीशन ही नहीं है। शेरखान भाई अगर यहाँ से कुछ हुआ नहीं तो आगे फिर उम्मीद तो है, थोड़ा सा लग रहा है फर्क भी पड़ रहा है, लेकिन वो चीज़ भी अभी हो रही है, दोनों चीज़ें हैं, क्या करा जाए आगे बताओ। जो भी फैसला लेना है अपने को लेना कुछ है, कुछ तो करना पड़ेगा राजे, क्योंकि ज़्यादा देर अगर यहाँ से कुछ होगा नहीं तो हमें कहीं और लेकर जाना पड़ेगा। मेरी माने ना तो देखो यार टाइम हो चुका है बाबा की हाजिरी लगने का, तो एक बार वहाँ लेके चलते हैं भाई को, पहले सबसे पहले टाइम हो गया दोस्तों, चलो चलते हैं भाई के पास। और आप खुद बोलोगे कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई है और हम जो कह रहे थे वो सही है या गलत। आसपास के प्रोग्राम है शायद गांव में है ना, गांव गांव है ना, हाँ मेले वगैरह भी चल रहे हैं ना, जोश लग रहा है शायद। अज्जू भाई देखो संभल के जाना यार, अरे भाई दोस्तों बस ये कंडीशन रहती है और ऐसे बैठे रहते हैं दिनों रात के यार, हर 2-3 घंटे में उस दरगाह पे लेके जाना पड़ता है उनका माथा टेकने के लिए, बस
यार आगे भी ठीक चल रही है यार, बाइक चल भी नहीं सकती। हां भाई देखो यार इनका अभी से पहले तो सही था, अंधेरा होने से पहले भाई 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 लग नहीं जाए भाई ये चेहरे की क्यों सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई भाई एक बार पास में लाना यार, ये लाइट करना एक बार पास में। ओ भाई अरे यार भाई आज ही हुआ है शायद, अभी हुआ है कुछ ही घंटों में ना, दो ढाई घंटे पहले देखा आपने भाई। सलमान भाई भाई सलमान भाई सलमान भाई भाई सलमान भाई अपने को भी नुकसान पहुंचा सकती है, ध्यान रखना हाथों में आ जाएगा तो नहीं कर रही है भाई यार। भाई थोड़ा सा अपने को पत्थर दिल होना पड़ेगा, देखो ये ध्यान रखना अगर सही करना है तो। नहीं 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 अज्जू भाई पहले हाथ खोले थे, कहाँ से लेके आए थे पता है आपको? हाथ तभी खोलेंगे जब वहाँ लेके जाएंगे तब। ओए भाई 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 लेकिन हाथ खोलो आप, वहाँ लेके चलते हैं। भाई भाई अजू भाई पकड़ो इनको। चाचा क्या है तू कौन है भाई? सलमान नहीं है अभी, भाई सलमान भाई मैं कह रहा हूँ इसे पूछे तो सही, चाचा क्या है? अरे कौन है तू? निकलने का क्या लेगा, क्या चाहिए तुझे? ओए ओए मैं कह रहा हूं ना लगती है तारों की यार। हां हां खोलने भाई भाई लेके चलते हैं। हां भाई भाई अरे भाई हाथ मत खोलो यार, अरे नहीं हाथ मत खोलो यार भाई। खोल तो वहां से खोल भैया, आगे आगे साहब आगे मालूम पता ना क्या हुआ था इसके साथ, फिर ये भाग जाएगा, कौन लेके आएगा? बाबा साहब को बुलाओ, बाबा साहब आ रहे हैं। रास्ते ज्यादा हो रखे हैं ये, शायद वहाँ से यहाँ लाने की वजह से तो नहीं हुए, ये गलती तो नहीं है अपनी, फिर देखो सिर में से ये मिट्टी विट्टी हो रखी है, लोटे थे ना दिन भर यहाँ। भाई तू कोई वहां लग रहे वहां रखने वहां लोहे की है वो, देखो लग नहीं जाए, पीछे रहना पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ यार। ओ मैं कह रहा हूँ भाई सलमान भाई 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 मैंने कहा था यार रुको रुको भाई भाई पीछे से निकलो ऊपर से, पावर रख के पावर रख के पावर रखो पावर रखो भाई यार। यार भाई मैं कह रहा था, अरे यार भाई भाई अरे यार देखो यार देखो बाबा साहब देखो इसको क्या हुआ, जाली पे गिर गया, शांति बाबा साहब आ गए, अभी दमन करेंगे बाबा साहब इनको, वहीं ले चलो आप, मेरे को लग रहा है यहाँ लाने से ज्यादा हो रहा है। पिछड़ जाओ चुप है, पिछड़ जाओ, अब अपना काम नहीं है। नहीं कुछ नहीं छेड़ा हमने तो, अगर बस देखा है तो बहुत सारे थे, ये भी गिर भी गए थे उधर, बताओ शेर खान वो जाली वगैरह करके देखा था ना, आज लेके आए थे पकड़ के दिन में, वो लास्ट लाइन से लेकर आए थे, तो आपको कहा था मैंने की बंदा रहना, तो उसके बाद में जाओ। वो अज्जू भाई पानी पिलाने के लिए हाथ खोले थे, अज्जू भाई लेके पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे, पानी पिलाने के चक्कर में भी भाई दिन में मिल गया, ये तो दीवार थी बच जाते थे, ढूंढना भारी पड़ जाता। आप ही लेके चलो अपने हिसाब से, जैसे लेके चलो अभी को एक बार देखना कहीं लगी तो नहीं है जाने की लोगों से। अच्छा भाई उसी तरफ रहना, उसी तरफ रहना सर, वो भाई सर हाँ छोड़ो चार बस अरुणा बकरी गए जाएगा।
अरे खड़ा हो जा, नहीं तो और फूंक दूंगा मैं। ऐसा साथ रखो, जो भी रखो साथ रखो, चप्पल भी ले लो साथ। चप्पल पहना दे बाबा, चप्पल पहना दे के कांटे वाटे ना लगे। अभी पहना देंगे। क्यों कर रहा है बच्चे को परेशान? निकल भाई, दूर रहे यार भाई, देख कुछ भी नुकसान कर सकता है, फिर मैं नहीं लूंगा इसकी जवाबदारी। अरे भाई, अरे यार मेरे क्या नहीं जाए बाबा, यार मैं तोड़ कुछ नहीं है, दूर हो थोड़ा, ध्यान से भाई। भाई अजू भाई इनको करने दे, इनका काम देखो। बड़े मौलाना साहब पे तो थोड़ा बहुत भरोसा है मुझे, क्योंकि भाई ये इलाज, ये एक तरीके से इलाज ही हो रहा है, ये जो कर रहे हैं ना अच्छे के लिए कर रहे हैं। बस शांत रहो, इनको करने दे, देख लग नहीं जाए। रेंदू भाई, रेंदू सेकंड भाई, रेंदू भी छोड़ दो फिलहाल। भाई लेके चलते। ओ भाई बाबा साहब, एग्जैक्ट मेकअप हो जाएगा भाई, कुछ कह सकते हो आप? अरे हो जाएगा बेटे, आप देखो यार। अभी मैं कह रहा हूँ ना, चुप रहना पड़ेगा, ये इनका काम कर रहे हैं कुल मिलाकर। क्या वो क्या दिए भाई, देख लो ये चीज इनके काम में। देखो उसी तरफ देख रहा है ना, देखो थोड़ा। देखो अकेले वो मौलाना साहब लेके जा रहे हैं, और अपने दो दो तीन तीन लोगों से काबू में नहीं आ रहा, कल चार जनों से काबू में आया भाई। हेलो भैया, पीछे आ जाओ, आप भी पीछे आ जाओ। और आज तो ये बिल्कुल बदले बदले से लग रहे हैं पूरे।
आवाज तेज रखो मौलाना ना साहब, आवाज तेज आपकी आवाज से फर्क पड़ता है, लग रहा है बोले बाबा कुछ बोल नहीं रहे पिछड़ जाओ पिछड़ जाओ। अज्जू भाई यार काम करने दो उनका, चप्पल पहन के गए हुए हो यार बाबा साहब। नहीं 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 आप आपके बोलो यार क्या है, हमें भी दिख रहा है भाई, थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। यार भाई बता, एक बार इनसे ये पूछो है क्या ये चाचा क्या है, बोल मेरी भाषा में बोले क्या बोले वापस। वही वही बाबा साहब याद है ना आपको, ये शब्द यूज कर रहे थे इसने। इनसे हिंदी में बुलवाओ चाचा क्या है, बोल हिंदी बोल बोल क्या है तू चाचा क्या है। नहीं रहने दे रहने दे, बोल सन पूछा दी कुछ बोल बोल वो भी क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या है बाबा साहब क्या कहना है भाई। प्रवीण भाई प्रवीण, हाँ भाई ये तो आपकी तरफ कह रहा है भाई, किधर क्यों कर रहा है अमिता भाई। एक सेकंड डर मत प्रवीण भाई, इधर इधर आ जाओ आप, बीच में डर मत, कुछ नहीं होगा आपको, कैमरा तू ले ले इसको, ले इधर बैठो आप, इधर बैठो बाबा साहब, पहले इनकी सेफ्टी करो। नहीं भाई मैं नहीं हूँ यार, नहीं आप इधर आ जाओ इनके पास, कैमरा क्यों आया इतना, जाओ जाओ पवन भाई जाओ, चप्पल खोलो।